नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं सुनील राउत। नागरिकता संशोधन बिल के खिलाफ देश के कई हिस्सों में हिंसा और आगजनी हो रही है। ताजा जो रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट के मुताबिक देश में जो रेलवे ट्रेनें जलाई गई है, बसें जलाई गई है, तो एक ताजा जो अनुमान आया है उसके मुताबिक देश को 100 करोड़ रुपए की सरकारी संपत्ति का नुकसान हुआ है। जी हाँ, 100 करोड़ रुपए की संपत्ति को इन उपद्रवियों ने आग के हवाले किया है या उसमें तोड़फोड़ की है। ये अभी के ताजा आंकड़े हैं। आज दिल्ली में, आज जुमा था और जुमे की नमाज के बाद ये जो उपद्रवी है, इन्होंने ऐसा तांडव मचाया। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा आगजनी और हिंसा की घटनाएं सामने आई और यहां से खबरें आई। और अभी जो ताजा खबर आ रही है उसके मुताबिक 5 लोगों की आज जो हिंसा हुई, उसमें 5 लोगों की इस हिंसा में जान गई है। अब तक जो सीए बिल का विरोध हो रहा है, इस विरोध के में 6 लोगों की जान जा चुकी है। लेकिन सवाल ये, कुछ चीजें ऐसी सामने आई है अभी कि क्या ये जो प्रोटेस्ट है, इस प्रोटेस्ट को जानबूझकर हिंसक बनाने की कोशिश की गई? क्योंकि कहा तो ये जा रहा है कि ये प्रोटेस्ट शांतिपूर्ण है, शांतिपूर्ण तरीके से ये प्रदर्शन किया जा रहा है, लेकिन जो सबूत सामने आ रहे हैं, ये जो सबूत सामने आ रहे हैं, इस सबूत बता रहे हैं कि ये प्रोटेस्ट जो है ये शांतिपूर्वक नहीं था, शांतिपूर्ण नहीं था, बल्कि सुनियोजित था कि इसको हिंसक बनाया जाए। सुनियोजित था, प्रायोजित था। ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये जो पर्चा है, ये पर्चा हमारा छापा हुआ पर्चा नहीं है। ये पर्चा जो है ये मस्जिदों के बाहर जो है, आज जुमे की नमाज के लिए मस्जिदों के बाहर चिपकाए गए थे और मस्जिदों के बाहर इन पर्चों को बांटा गया था। इन पर्चों में क्या लिखा गया है? इन पर्चों में सीधा सीधा मुसलमानों से आह्वान किया गया है, करो या मरो, कुर्बानी देने की बात की जा रही है। कहा जा रहा है कि मुसलमान संकट में है, अगर इस वक्त कुछ नहीं किया गया तो इस देश से मुसलमानों का नामोनिशान मिटा दिया जाएगा। इस तरह की बरगलाने वाली बातें इस पर्चे में की गई। बहुत सारी आपत्तिजनक बातें हैं, घोर आपत्तिजनक बातें। क्या कहा गया इस पर्चे में, एक एक पॉइंटर आपको दिखाएंगे भी, बताएंगे भी। सबसे पहले इस पर नजर डालनी चाहिए, ये जो पंपलेट है जो मस्जिदों के बाहर बटा है, इस पंपलेट में लिखा हुआ है सबसे ऊपर कि इसकी फोटोकॉपी कराकर ज्यादा से ज्यादा लोगों में बांटिए और मस्जिदों के बाहर इसे चिपकाइए। मतलब ये जो संदेश है, ये चाहते थे, ये संदेश मैं आपको पहले बता दूं कि ये आज जुमे की नमाज से पहले लोगों में संदेश सर्कुलेट किया गया था और कहा गया था कि इसको आज ज्यादा से ज्यादा बांटना है, मस्जिदों के बाहर चिपकाना है और लोगों में खुद फोटोकॉपी कराइए और बांटिए। तो ये मस्जिदों के बाहर ये पर्चे बटे हैं, वहीं से ये पर्चा आया है। इसका हेडिंग है पर्चे का कि NRC और CAB ब्रैकेट में लिखा हुआ है, CAA के खिलाफ करो या मरो। आने वाली तारीख 20 दिसंबर 2019 के बाद नमाजे जुमा, सभी मुसलमान अपने आसपास की मुख्य सड़कों पे चक्का जाम कर दे। NRC कैब ब्रैकेट में CAA के खिलाफ चक्का जाम कर बता दे कि मुसलमान जिंदा है। ये चक्का जाम क्यों? फिर उन्होंने पॉइंटर्स में बातें की कि हम चक्का जाम क्यों करेंगे, क्योंकि जब NRC लागू होगा तो सभी नागरिकों से सन 1971 से पहले के कागजात से ये साबित करना पड़ेगा कि आपके दादा या परदादा भारतीय थे। आधार या वोटर कार्ड से काम नहीं चलेगा। पहला पॉइंट जो इस पर्चे में बताया गया है, यही पहला पॉइंट बता रहा है कि पूरी तरह से हिंसा सुनियोजित थी, प्रायोजित थी। क्यों? क्योंकि कल ही सरकार ने एक नोट जारी किया है और इस नोट में ऐसी जो अफवाह उड़ रही थी उसका जवाब दिया है। सरकार ने क्या कहा? सरकार ने यह कहा है कि NRC एक तो लागू है नहीं, और इन फ्यूचर अगर लागू होता भी है तो 1971 वाले दस्तावेज वाली जो आप खबर उड़ा रहे, ये बिल्कुल झूठ है। ये सिर्फ असम में इसलिए लागू है क्योंकि असम एकॉर्ड जो हुआ था, उस असम एकॉर्ड में ये शर्त थी, और उस असम एकॉर्ड में जो राजीव गांधी ने जो NRC लाई थी उसमें ये शर्त थी कि वहाँ की नागरिकता 1971 के बाद जो लोग आए उनको असम की नागरिकता नहीं दी जा सकती असम एकॉर्ड के मुताबिक। इसलिए वहाँ पे 1971 वाला तर्क रखा गया है। देश भर में ये 1971 वाला तर्क लागू नहीं होगा। साथ ही साथ दूसरी जो इसमें बात की गई है कि आधार या वोटर आईडी कार्ड से काम नहीं चलेगा, लेकिन सरकार ने इसका भी खंडन किया था। सवाल नंबर जो 10 सवाल जवाब वाला जो FAQ जारी किया है सरकार ने, उसके मुताबिक क्या NRC के लिए मुश्किल और पुराने दस्तावेज मांगे जाएंगे?
जिन्हें जुटा पाना मुश्किल होगा, तो सरकार ने जवाब दिया था कि पहचान प्रमाणित करने के लिए बहुत सामान्य दस्तावेजों की जरूरत होगी। यहां तो सरकार ने यह भी कहा है कि आपको यह भी सुविधा दी जाएगी कि अगर आपके पास कोई दस्तावेज नहीं है तो आप किसी गवाह को भी पेश कर सकते हैं। मतलब आपका पड़ोसी, आपका जानकार ये बता दे कि शख्स इस देश में इतने दिनों से रह रहा है, तो जो गवाह है उसकी भी व्यवस्था की गई है अगर एनआरसी आती है तो। यह सरकार ने कहा है, यह गृह मंत्रालय की ओर से जारी नोट में, यह किसी ने टीवी डिबेट में दिया हुआ बयान नहीं है। तो ये जो पर्चा है ये कुल मिलाकर बताया जा रहा है कि मुसलमानों को बरगलाया जा रहा है और एक सुनियोजित साजिश इस देश में, इस देश के हालात को तनावपूर्ण बनाने के, हिंसक बनाने के। तो पहला पॉइंट तो ये था जो खंडित हो गया, ये बरगलाने वाला पर्चा है, ये इससे साबित होता है। दूसरा पॉइंट क्या कहता है ये पर्चा, ये पर्चा कहता है जब एनआरसी लागू होता है तो सभी धर्मों के लोग अपनी नागरिकता साबित नहीं कर पाएंगे, फिर सीए बिल के तहत मुसलमानों को छोड़कर सभी को नागरिकता दे दी जाएगी और बचे हुए मुसलमानों को घुसपैठिया घोषित कर दिया जाएगा। ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट पर भी आपत्ति जताई जा सकती है क्योंकि जब एनआरसी लागू होगा तो जो लोग अपनी नागरिकता साबित नहीं कर पाएंगे, कौन नहीं कर पाएंगे, जो लोग घुसपैठी है, स्वाभाविक सी बात है जो लोग घुसपैठी है उनके पास प्रमाण नहीं होगा। लेकिन अगर आप इस देश के नागरिक है, इस देश में रहते हुए आए हैं, सरकार ने भी कहा है कि इस देश के नागरिक को कोई बाहर नहीं निकालने जा रहा है, इस देश के नागरिकों पर कोई संकट नहीं आने जा रहा है, तो इतनी डरने वाली कोई बात नहीं है, कोई किसी को बाहर नहीं निकालने जा रहा है। और इसमें यह भी कहा है कि बचे मुसलमानों को छोड़कर सबको नागरिकता दे दी जाएगी। कैसे नागरिकता दे दी जाएगी, जो सीए भी आया है, जो सीए भी बिल है और जो अब सीए कानून बन चुका है, उसमें साफ तौर पर लिखा हुआ है कि 3 देशों से आए हुए जो अल्पसंख्यक है, जो 6 धर्मों के लोग हैं, उन देशों से अगर कोई आया है और जो 2014 के पहले आया है, मतलब जो 14 इसलिए क्योंकि 6 साल उनको 6 साल की टाइम कोड है, उनको नागरिकता दी जाएगी। तो क्या ये जो लोग बाकी जो धर्मों के लोग जो आए हुए जो रह रहे हैं जो यहाँ पे, उनको कैसे नागरिकता दी जा सकती है, क्या वो उन देशों से आए हुए शरणार्थी होंगे जो उनको नागरिकता दे दी जाएगी, वो कैसे साबित करेंगे कि हम उस देश से आए हुए हैं। और ये शरणार्थियों को, पीड़ितों को नागरिकता देने वाला बिल है, कानून है, न कि किसी को भी नागरिकता देने वाला। तो ये पॉइंट भी यहाँ पर खारिज होता है। तीसरा पॉइंट यहाँ पर लिखा गया है कि अनुमान है 30 में से 25 करोड़ मुसलमान लगभग, मतलब ये डराने वाली भाषा कैसे लिखी गई है कि 25 करोड़ लगभग 85% मुसलमान इस कागजी कार्रवाई में फेल हो जाएंगे। इन्होंने पहले ही तय कर दिया है कि मुसलमानों के पास कागजात नहीं है इस देश के और वो फेल होने वाले हैं। डराने वाला एकदम काम किया जाएगा। नागरिकता छीन जाने पर क्या होगा, इस पर्चे में डराया गया है कि आपसे वोट देने का अधिकार छीन लिया जाएगा, किसी तरह की आप संपत्ति खरीद नहीं पाएंगे, बेच नहीं पाएंगे, जैसे कि आपकी जमीन हो गई, आप मकान हो गया, आपको सरकारी सुविधाओं से लैस कर दिया जाएगा, मतलब मिलेगी नहीं, जैसे सरकारी अस्पताल हो गया, और आपको सरकारी नौकरी भी नहीं मिलेगी, और अगर है तो घुसपैठिया बताकर आपकी नौकरी छीन ली जाएगी और आपके जो संपत्ति है, जायदाद है, उसको सरकार जब्त कर लेगी, नौकरी से आपको निकाल दिया जाएगा, आपके बैंक खातों में पैसे जमा जो है उसको सीज कर दिया जाएगा, पहचान पत्र, वोटर आईडी, पैन कार्ड को फर्जी बताकर रद्द कर दिया जाएगा। अगर आप घुसपैठिए साबित हो गए तो आपको जेल, डिटेंशन कैंप में मरने के लिए भेज दिया जाएगा, जैसे असम में भेज दिया गया था। वैसे लिखने वाला बहुत पढ़ा लिखा आदमी है ऐसा लगता नहीं, क्योंकि इसने डिटेंशन को डिटेंशन लिखा हुआ है। तो जैसे असम में भेज दिया गया, ये लोगों को एकदम, लोगों के जहन में डर भरा जा रहा है। और आप भी रोहिंग्या मुसलमानों की तरह स्टेटलेस, मतलब ऐसे लोग जिनका कोई देश नहीं है, बन जाएंगे। बीजेपी, आरएसएस यही चाहती है, ये इस पर्चे में लिखा हुआ है। और सबसे अंतिम बात, इस पर्चे में सबसे विवादित जो बात है वो लिखी गई है नीचे, उस पर हम आते हैं कि मुसलमानों को आज हमें करबला वाला किरदार निभाना पड़ेगा क्योंकि दुश्मन हमें हमारे मुल्क से निकालना चाहता है। दुश्मन हमें हमारे, मतलब जो सरकार है वो दुश्मन है और मुल्क से निकालना चाहते हैं। इस मुल्क को आज़ाद कराने के लिए हमारे बाप दादा ने अपनी जानों की कुर्बानी दी है, अब हमें दोबारा कुर्बानी देनी पड़ेगी। इस जुमा को आप ये साबित करें, मतलब आपको उकसाया जा रहा है कि आप कुर्बानी दें। कुर्बानी देना मतलब क्या, आप मारिए और मरिए, साफ साफ ये पर्चा उकसा रहा है। करबला क्या है जिसकी ये याद दिला रहे हैं, मुसलमानों को आज करबला वाला किरदार निभाना होगा। करबला क्या है, करबला में क्या हुआ था, करबला आपको बता दें, जो दर्शक इससे अवेयर नहीं उनको बता दें कि करबला इराक का एक शहर है, बगदाद से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर यह शहर है। और यहाँ पर हज़रत हुसैन जो थे, हज़रत मोहम्मद साहब के जो नवासे थे, इन्होंने अपनी कुर्बानी दी थी। और जो यजीद नाम का वहाँ का राजा था,
जो यजीद नाम की जिसकी सल्तनत थी, वह उस यजीद ने इन सब लोगों की सब लोगों को वहाँ पर मारा था, करबला के मैदान में उनको शहीद किया था जो कहा जाता है, और उनकी नवासों की सबकी हत्या कर दी थी। ये 680 में ये वाकया हुआ था। तो उनका दुश्मन यजीद था और मोहम्मद साहब के नवासे जो थे उनको शहीद किया गया था। तो यहाँ ये बताया गया है कि ये जो लोग हैं वो यजीद हैं और हमें करबला वाला किरदार निभाना है। तो ये क्या है इस पर्चे की भाषा जो है, ये जो इस देश के सेक्युलर जो लोग हैं, जो अमन पसंद लोग हैं, शांति प्रिय लोग जो है, जो कह रहे हैं कि प्रदर्शन शांतिपूर्ण है और इन प्रदर्शनों का जो समर्थन कर रहे हैं, उन लोगों से अपील है कि ज़रा इस पर्चे को आप पढ़ें और ये जो पर्चे बांट रहे हैं उन लोगों से पूछें कि वो देश में क्या कराना चाह रहे हैं, उनकी मंशा क्या है और क्यों इस तरह का देश के मुसलमानों में डर भरा जा रहा है, जबकि सरकार ने साफ तौर पर कहा है कि देश के किसी भी मुसलमान को बाहर नहीं निकाला जाएगा। आज भी सरकार की ओर से एक गृह मंत्रालय की ओर से सूत्रों से खबर आ रही है कि इस पर विचार किया जा रहा है और आप लोगों से सुझाव भी मांगे जा रहे हैं जो प्रदर्शनकारी है, आप सुझाव भी दे सकते हैं और उस पर विचार किया जा रहा है। सरकार आपके पक्ष में सोच रही है लेकिन आप लगता है देश को जलाना चाहते हैं, देश में जो अमन है, जो शांति है, उसको ख़त्म करना चाहते हैं, क्योंकि ये पर्चा यही बता रहा है। तो आप को क्या लगता है, क्या जो मुसलमान हैं वो अमन पसंद प्रोटेस्ट करना चाहते हैं? अगर करना चाहते हैं तो फिर इस तरह के पर्चे कौन बांट रहा है? क्या ये मोदी सरकार वहाँ पर्चे डाल रही है ले जाके, या फिर कोई दूसरे धर्मों के लोग इस तरह के पर्चे बांट रहे हैं? ये मस्जिदों के बाहर पर्चे कैसे मिल रहे हैं और साफ तौर पर इसमें करबला और मरने मारने की बात क्यों हो रही है? इसका जवाब देश के मुसलमानों को देना पड़ेगा, क्योंकि वैसे भी देश के मुसलमानों को पहले से बहुत शक की निगाह से देखा जाता रहा है और हमें लगता है कि इस तरह के हरकतें करके, इस तरह के वाकयात को अंजाम देके वो पूरी कौम जो है, जो समझदार मुसलमान है वो भी इसमें पिस जा रहे हैं कुछ उपद्रवी तत्वों की वजह से, शरारती तत्वों की वजह से, और जो एलिमेंट्स है कुछ ऐसे इंटरनेशनल एलिमेंट्स है जो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं उनकी वजह से उन पर भी सवाल उठ रहे हैं। तो जो अमन पसंद मुसलमान हैं मुझे लगता है उनको इस देश में सामने आना चाहिए और ऐसे लोगों का विरोध करना चाहिए और बताना चाहिए कि हम इस तरह के प्रदर्शन का समर्थन नहीं करते हैं, इस तरह की हिंसा का हम समर्थन नहीं करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और ये खबर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे कि कैसे प्रोटेस्ट को सुनियोजित तरीके से हिंसक बनाने की साजिश हो रही है, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ऐसी खबरों के लिए आप देखते रहिए वीके न्यूज़। शुक्रिया।